प्यार किया था तो प्यार का अंजाम कहाँ मालूम था, वफा के बदले मिलेगी बेवफाई कहाँ मालूम था, सोचा था तैर के पार कर लेंगे प्यार के दरिया को, पर बीच दरिया मिल जाएगा भंवर कहाँ मालूम था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत अरोड़ा और आप देख रहे हैं द चौपाल। आप गलत समझ रहे हैं, आज हम किसी हीर रांझा या रोमियो जूलियट की बात नहीं कर रहे। ये दुख भरी पंक्तियाँ एक सीए छात्र की है। उसकी हीर आईसीआई ने उनके साथ इस कदर बेवफाई कर दी कि कल सोमवार से सैकड़ों छात्रों ने दिल्ली के आईटीओ में स्थित आईसीएआई के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का क्रोध आसमान छू रहा है। छात्रों का दावा है कि उनके पेपर का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि पेपर चेकिंग में सही उत्तर में भी अंक नहीं दिए गए। आईसीएआई की परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है, मई में और नवंबर में। मई में हुई परीक्षा का रिजल्ट अगस्त में अभी हाल ही में ही आया था, जिसमें काफ़ी छात्रों को अपने रिजल्ट पर शक हुआ तो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से अपने उत्तर पुस्तिका मंगवा ली, जिन्हें देखकर छात्र हक्के बक्के ही रह गए। आपको बता दें कि 2018 तक सीए एक्ट के तहत छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका देखने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन 2018 में एक धरने के बाद छात्रों को ये अनुमति दी जाने लगी। अपनी उत्तर पुस्तिका को मॉडल आंसर की के साथ तुलना करने पर उन्होंने पाया कि चेकिंग में बहुत सी गलतियां हैं और सरासर लापरवाही बरती गई है। छात्रों का रोष दिल्ली के आईटीओ के साथ साथ ट्विटर पर भी दिख रहा है। #DearICAIPleaseChange ट्विटर पर फुल ट्रेंडिंग में है। नाराज छात्रों ने आरटीआई से मंगवाई अपनी उत्तर पत्रिकाओं को सोशल मीडिया पर फैला दिया है। छात्रों की मांग है कि उनके पेपर की दोबारा जांच की जाए और लापरवाही से चेकिंग करने वालों को सजा दी जाए। छात्रों का नाराज होना जायज़ है, आखिर यह उनके भविष्य का सवाल है। अब आप सोचेंगे, क्या इन सब के दौरान आईसीएआई, जो कि भारत का सबसे पुराना प्रोफेशनल बॉडी है, शांत है या कोई प्रतिक्रिया दे रहा है? आपको बता दें कि आईसीएआई ने 21 सितंबर को ही इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी वेबसाइट पर लिखित नोटिस में यह लिखा कि हमें पता चला कि सीए परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रणाली से संबंधित कुछ प्रतिकूल रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। इस संबंध में सुधार किए जा रहे हैं। इस सुधार में डिजिटल मूल्यांकन, सेंट्रल मूल्यांकन, मशीन आधारित मूल्यांकन, स्टेप वाइज मार्किंग और एग्जामिनर की अनिवार्य ऑनलाइन परीक्षा भी शामिल है। आईसीएआई का कहना है कि छात्र किसी भड़कावे में ना आए, सुधार के लिए निश्चित रूप से कदम उठाए जाएंगे। आईसीएआई ने एक जवाबदेही संस्था की तरह पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन छात्रों का रोष कम नहीं हो रहा। उनका साथ देने के लिए देश भर से सीए की कोचिंग वाले भी मैदान में उतर आए हैं। छात्रों की नाराजगी उचित है, लेकिन जिस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया आईसीएआई की तरफ से आई है, उस हिसाब से छात्रों को भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। एक प्रोफेशनल बॉडी को सुधार कदम उठाने में थोड़ा तो समय लगता ही है। इस तरीके धरना प्रदर्शन अराजकता की स्थिति को बुलावा दे सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो द चौपाल को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।